डिजिटल भारत न्यूज के डिजिटल टॉक शो में मैं सृजन शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे शो के मेहमान बने हैं युवा वर्ग के एक चहेते युवा मोर्चा के नए प्रदेश अध्यक्ष माननीय अभिलाष पांडे जी। सबसे पहले डिजिटल भारत की टीम से हम उन्हें बधाइयां देते हैं नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी को। अभिलाष जी नमस्कार आपका हमारे शो में, और मैं आपको तहे दिल से डिजिटल भारत की टीम से आपको हार्दिक बधाइयां पेश करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम हम बात करेंगे अभिलाष जी के छात्र राजनीति की। अभिलाष पांडे जी एक छात्र राजनीति से उठकर, जमीनी हकीकत से उठकर, जमीनी कार्यकर्ता से उठकर आज युवा मोर्चा तक कैसे पहुंचे आप, इसकी एक संक्षिप्त जानकारी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में जब मैं खालसा कॉलेज में अपना अध्ययन करता था और खालसा कॉलेज में जब मैं पढ़ता था तब खालसा कॉलेज महानद्दा से पढ़ते हुए मुझे मैं विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया, तो विद्यार्थी परिषद कोई एक संगठन मेरे लिए नहीं था। मैंने तो उससे जीवन पद्धति सीखी और मैं तो ये मानता हूँ कि जीने की कला मुझे विद्यार्थी परिषद ने सिखाई, और उसके बाद विद्यार्थी परिषद के नगर से लेकर प्रदेश की कई जिम्मेदारियों के निर्वहन करते हुए मुझे दो बार दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव लड़ाने का भी अवसर विद्यार्थी परिषद की तरफ से मिला। फिर मैं युवा मोर्चे के प्रदेश में उपाध्यक्ष के नाते मैंने काम किया, फिर मैंने महामंत्री के रूप से काम किया, और अब नए दायित्व के रूप से मुझे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मध्य प्रदेश में काम करने का अवसर मिला है। छात्र राजनीति की बात करते हैं। छात्र राजनीति का एक अलग ग्लैमर होता था, एक नेता विधायक सांसद की उतनी बात नहीं सुनता था जितनी बातें छात्र नेताओं की सुनी जाती थी। आज छात्र राजनीति को आप कहाँ देखते हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार ने छात्र राजनीति पे विराम लगा के रखा है। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि छात्र राजनीति और छात्र संघ चुनाव प्राथमिक पाठशाला है किसी भी लीडरशिप के उत्पन्न होने का, और कैंपस के अंदर लीडरशिप उत्पन्न हो, कैंपस से लीडर निकले, और लीडरशिप राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं हमारे समाज के प्रत्येक वर्ग में नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। हर वर्ग का व्यक्ति नेतृत्व उस समाज का भी करे, वो भी लीडरशिप, एक अलग लीडरशिप होती है। कुल मिलाकर लीडरशिप कैंपस से डेवलप होती है। विद्यार्थी परिषद के एक बड़े प्रोटेस्ट पे उन्होंने भोपाल के जाकर इस बात की घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में भी छात्र संघ चुनाव कराते हुए फिर से लीडरशिप को डेवलप करने का काम किया जाएगा। परंतु छात्रों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इतने 5 से 6 सालों में क्यों दबाई गई आपकी सरकार? देखिए, छात्रों को चुनाव, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। छात्र संघ चुनाव के आधार पर ही नेतृत्व आगे बढ़ सकता है। कुल मिलाकर सेमेस्टर प्रणाली जब बीच में आ गई, सेमेस्टर प्रणाली के कारण एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आए। उस परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं सेमेस्टर प्रणाली के कारण इस विषय को लेकर चुनाव नहीं हो पाए, क्योंकि लगातार वर्ष भर क्लासें लगती हैं, चुनाव का अवसर लोगों को नहीं मिला। ये बात भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी गंभीरता से समझी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने फिर से मध्य प्रदेश में लीडरशिप को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया। काफी वक्त लग गया आपकी सरकार को इस बात को समझने में। देखिए, कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की आवश्यकता क्या है, मध्य प्रदेश में किस तरह का काम होना चाहिए, मध्य प्रदेश में कैसा सिस्टम खड़ा होना चाहिए, कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की सरकार ने ये निर्णय लिया है। और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी के कारण ये चीजें रुकी गई थी, लेकिन फिर से मध्य प्रदेश में एक अच्छे और सौहार्द वातावरण के रूप में मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हो, ऐसा मेरा छात्र संगठनों से भी ये आग्रह है। चलिए बात करते हैं छात्र संगठन से उठकर युवा मोर्चा की। युवा मोर्चा के कार्यकाल के दौरान आपने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम युवाओं के लिए किए हैं। इस वर्ष आप युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनते ही विभिन्न प्रकार के आरोप भी आपके ऊपर लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन आरोपों में कितनी सच्चाई है? कुछ आरोप आपके व्यक्तिगत जिंदगी को भी लेकर लगाए गए थे। देखिए, हम एक राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लोग लगाते होंगे, लेकिन मुझे जहां तक की ध्यान है कि मेरे ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप की स्थिति नहीं बनी है। और मुझे तो लगता है कि आरोप और प्रत्यारोप की यदि ये दौर था तो आरोप और प्रत्यारोप पर विराम लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर किया है, और उन्होंने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाकर इस बात की पुष्टि की है कि जो भी प्रकार की बातें, अनर्गल प्रलाप लोग किया करते होंगे, तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी और संगठन महामंत्री जी ने इस बात पर मोहर लगाई है कि मेरा दामन पाक साफ है और मैं काम कर रहा हूं और मैं आगे भी निरंतर काम करता रहूंगा। युवा मोर्चा किस प्रकार से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा, कितनी ऊंचाइयों को लेकर जाएंगे, क्या सोच के रखा है आपने, किस प्रकार के कार्यक्रम युवाओं के मध्य होंगे? देखिए, युवा मोर्चा मध्य प्रदेश का पूरे देश में नंबर एक पर काम करे, ये मेरा प्रयास होगा कि मध्य प्रदेश पूरे, जब भी हम दिल्ली के अंदर हमारे केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश के युवा मोर्चे या देश भर के युवा मोर्चे की बात करें
तो मध्य प्रदेश उसमें प्रथम स्थान पर रहे, ये मेरी प्राथमिकताएं होंगी। साथ ही युवा नौजवान साथियों को जो मध्य प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उससे लाभान्वित कराते हुए मध्य प्रदेश में युवाओं को अवसर दिलाने का काम भी मेरा होगा। ये मैंने कोशिशें की है, मैंने प्रयास किया है। अभी हाल ही में एक बड़ा कार्यक्रम लेकर हम मध्य प्रदेश की धरती पर उतरे हैं। हमने 11 साल बेमिसाल का जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेकर हम समाज के बीच में जा रहे हैं। उसी तरह से डिजिटल भारत का जो सपना है आदरणीय मोदी जी का, उस सपने को भी लेकर डिजिटल फॉर यूथ और डिजिटल पैसे अभियान को लेकर कैशलेस सोसाइटी बनाने का एक प्रयास भारतीय जनता युवा मोर्चे ने मध्य प्रदेश के 756 मंडलों के अंदर करने का ऐसी कोशिश की है। निश्चित तौर पर बड़े रूप से हमको इस काम पे सफलता भी मिल रही है और हम इस पे आगे बढ़ रहे हैं। बात करते हैं अपनी योजनाओं की, बात की युवा मोर्चा द्वारा, शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, एक युवा कॉन्ट्रैक्टर योजना है जो शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा बहुत सालों से चलाई जा रही है, परंतु उसका लाभ पहुंचते पहुंचते वो युवा वर्ग प्रौढ़ अवस्था में आ गया अभी तक, लेकिन उनको वो उस प्रकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अविला जी, देखिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश की सरकार सुचारू रूप से संचालित कर रही है, चाहे युवा उद्यमी योजना हो, युवा कॉन्ट्रैक्टर योजना हो, चाहे शिक्षा की गारंटी लोन गारंटी योजना हो, चाहे बाहर विदेशों में पढ़ने के लिए बच्चों की सुविधा हो, चाहे हॉस्टल रेंट पे रहने वाले बच्चे जिनको हॉस्टल मुहैया नहीं है उनके लिए बाहर रहकर उनकी शिक्षा के लिए कमरों का जो किराया है वो देने का काम भी मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। ऐसा बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ मिला है, लेकिन बहुत सारा वर्ग अभी भी यदि वंचित है तो मध्य प्रदेश सरकार की योजना निरंतर जारी है, हम उसका लाभ उठा सकते हैं और अपने पैरों पर अपने कदमों पर खड़े होने का प्रयास कर सकते हैं। कोई भी सरकार ऐसी आज तक मध्य प्रदेश में नहीं रही जिसने कभी भी किसी के खुद के कदम पैरों पर खड़े होना और उसको खुद अपने प्रदेश में उद्यमी बनाने का काम सोचा भी किसी ने नहीं, हमने तो करने का प्रयास किया है। थोड़ी बहुत कमियां कुछ रह गई होंगी तो निश्चित तौर पर आगे भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए वचनबद्ध हैं और निरंतर युवाओं के रोजगार के सृजन के नए नए आयाम स्थापित कर भी रहे। विभिन्न प्रकार के युवा मोर्चा के कार्यक्रम आपके द्वारा, आपके संगठन द्वारा किए जा रहे हैं, इस कार्यक्रम को लेकर कुछ बातें भी सामने आई हैं। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इन कार्यक्रम को करवाने के लिए विभिन्न प्रकार की चंदा वसूली भी करते आ रहे हैं, किस प्रकार की छवि बन रही है ऐसे में युवा मोर्चा की? हालांकि मैंने अभी तक इस बात को कभी सुना नहीं है कि युवा मोर्चा कहीं से कुछ ऐसी बातें सर सामने आ रही है, तभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, मेरे पास इस बात के कोई प्रमाण भी नहीं है, अभी तक मेरे संज्ञान में भी ये विषय नहीं आया है निश्चित तौर पर, लेकिन आपने बड़ी जिम्मेदारी और बड़े विश्वास के साथ ये बात कही है। यदि मुझे इस बात के कोई तथ्य और प्रमाण मिलते हैं तो मैं निश्चित तौर पर इस बात पर रोक लगे और समाज में इस प्रकार की व्यवस्था कभी, हालांकि युवा मोर्चा इसके पक्षधर भी नहीं रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी इस बात के पक्षधर नहीं रही है, तो कहीं यदि कोई ऐसी बातें यदि गलती से कहीं उठी भी हैं तो निश्चित तौर पर यदि मुझे संज्ञान में आएंगी तो मैं इस बात पर पूर्ण रूप से ध्यान देते हुए विराम लगाऊंगा। कार्यक्रम की, युवा मोर्चा के कार्यक्रम में एक बात और सामने आती है, जब हम बात करते हैं इनके कार्यक्रम की तो वो भीड़ युवाओं की नहीं दिखती, कुछ कॉलेजेस के बच्चे, वो कॉलेज के संचालक जिनके कॉलेजेस से बच्चे आते हैं वो कहीं ना कहीं आपके संगठन से जुड़े होते हैं, ये किस प्रकार का कार्यक्रम होता है अविनाश जी? देखिए आज हम जो भी कार्यक्रम करते हैं, मैंने इसी शहर में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम किए हैं, आप सबके माध्यम से समाज को दिखाया भी गया है, चाहे हमने युवा विकास रैली के नाम से कार्यक्रम किया हो, चाहे एक दौड़ भ्रष्टाचार के खिलाफ किया हो, चाहे हमने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हमने एक कार्यक्रम मध्य जबलपुर संभाग का एक बड़ा अद्भुत कार्यक्रम, एक बाइक रैली हमने की थी उसमें बड़ी संख्या में नौजवान इकट्ठे हुए थे। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रमों का अपना स्वरूप होता है। आज जो हमने यहाँ पर कार्यक्रम किया है उस कार्यक्रम को हमने युवा सम्मेलन और युवा हितग्राही सम्मेलन का नाम भी दिया है। जो युवा हितों का जिन्होंने लाभ उठाया है, जो मध्य प्रदेश सरकार की योजना से लाभान्वित हुए हैं और जो टॉपर्स विद्यार्थी रहे हैं उन सारे विद्यार्थियों को लेकर आज एक कार्यक्रम हमने जबलपुर में भी किया है। उसमें चूंकि कॉलेज के विद्यार्थी ही उस कार्यक्रम के लिए अपेक्षित थे तो उन विद्यार्थियों को, कॉलेज की छात्र छात्राओं को हमने आग्रह किया था और बड़ी संख्या में नौजवान भी वहां उपस्थित थे। परंतु वो नौजवान और वो कॉलेज के छात्र छात्रा मैं आपको बताना चाहूंगा, चंद कॉलेज के संचालक थे, संचालकों के कॉलेज के छात्र छात्र थे जो कि कहीं ना कहीं आपके संगठन से जुड़े हुए थे, ऐसा क्यों अविनाश जी? देखिए आपका आपका कहना बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं आपने शायद उस जगह पर, मैंने एक बड़े विशेष रूप से ध्यान दिया कि उसमें कई कॉलेजों के, ऐसे कई प्राइवेट कई सरकारी कॉलेजों के भी बच्चे आए हुए थे। मैंने फिर से कहा आपको कि प्रतिभावान विद्यार्थियों और हितग्राहियों का वहां पर सम्मेलन, जैसा हमने ऑर्गेनाइज हमारे महानगर की टीम ने किया था,
तो उसमें अन्य बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस थे जो प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज के भी बच्चे थे, कुल मिलाकर बड़ी संख्या में नौजवान और छात्राएं तो बड़ी बड़ी संख्या में वहां पर उपस्थित थी और उनको सम्मानित करने का वो कार्यक्रम था, इसलिए उनकी उपस्थिति जायज भी है और उनकी उपस्थिति के बिना वो कार्यक्रम हो भी नहीं सकता था। तो कार्यक्रम के स्वरूप के हिसाब से वहां की संख्या का एकत्रीकरण करना युवा मोर्चे की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार के लोगों को सम्मानित करना है उस प्रकार का जेंट्री वहां पर उपस्थित होगा ही, चाहे उस पर किसी भी प्रकार के आरोप लग सकते हैं। अभिलाष पांडे जी का जहां नाम आता है वहां सर्वप्रथम बीडी शर्मा जी का नाम आता है। आज आप युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं, अभिलाष पांडे जी की छवि कब सामने नजर आएगी, स्वयं का अस्तित्व कब दिखेगा? देखिए मैं बड़े विनम्रता पूर्वक इस बात के लिए आपको कहना चाहूंगा जी कि बीडी शर्मा जी एक संगठन शास्त्र के कुलगुरु है और गुरुकुल भी है जी, उनसे हमको काफी चीजें सीखने को मिली है। वीडी शर्मा जी मुझे हमेशा संगठन का पाठ सिखाते रहे हैं। एक प्रदेश संगठन मंत्री होने के नाते मैंने उनके साथ विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक काम किया है और मुझे तो लगता है कि जबलपुर के इतिहास में यदि हम उठाकर देखें तो जितने संघर्ष और जितने आंदोलन आदरणीय वीडी शर्मा जी ने इस जबलपुर के विकास के लिए किए हैं उतना कोई और छात्र नेता इतना ज्यादा नहीं किया होगा। और सिर्फ उद्देश्य होता था कि शिक्षा की दुरावस्था ठीक की जाए, शिक्षा की गुणवत्ता ठीक की जाए, शिक्षा के अंदर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो। क्योंकि हम समाज में काम करते हैं, काम करते हुए एक दूसरे के साथ काम करते हैं, उनकी आत्मीयता और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। और जहां तक मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश के युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, उस तरह से वीडी शर्मा जी विद्यार्थी परिषद में रहे हैं लेकिन उनसे मैं युवा मोर्चे का पहले उपाध्यक्ष बना, फिर उसके बाद मैं महामंत्री बन गया, फिर अभी बीडी शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना हूं। कहीं ना कहीं मैंने जो काम किया है और पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास जताया है इस बात पर पूरी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की एकमत होकर उन्होंने मुझे यह दायित्व तो सौंपा है कि आप काम करें। संगठन में प्रभाव ज्यादा दिखता है बीडी शर्मा जी का। देखिए जो काम करने वाला कार्यकर्ता होता है, जैसे मैं युवा मोर्चे में जब काम करता था, चाहे महामंत्री के नाते मैंने काम किया, तो पूरे मध्य प्रदेश में प्रवास के नाते जब हम निकलते हैं तो निश्चित तौर पर संपर्क होता है और संपर्क से कार्यकर्ता का निर्माण होता है। जब बड़ी संख्या में हम कार्यकर्ता का निर्माण करते हैं तो उसकी आत्मीयता हमारे प्रति झलकती है, जिससे समाज को ये रिफ्लेक्शन जाता है कि इनका दबदबा ज्यादा है या उनका दबदबा ज्यादा है। जब कार्यकर्ता का निर्माण जो व्यक्ति करता है, उसके कार्यकर्ता जब समाज में एक अच्छे स्थान पर खड़े होते हैं तो निश्चित तौर पर उसके बनाए हुए कार्यकर्ताओं का जब दबदबा समाज में बढ़ता है, समाज उसको स्वीकार करता है, तब जाकर उस नेता की छवि भी समाज के सामने बनती है। अर्थात ये दबदबा है बीडी शर्मा जी का। ये दबदबा नहीं है, ये मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये एक छवि है जो समाज में कार्यकर्ता के प्रति विश्वास जो समाज ने जताया है। बड़े बड़े क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर जब कार्यकर्ता समाज में काम करता है तब निश्चित तौर पर इस प्रकार की स्थिति बनती है। और बीडी शर्मा जी के द्वारा कई कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में खड़े किए, हम जैसे बहुत सारे कार्यकर्ताओं का उन्होंने निर्माण भी किया है और हमको अवसर भी कई ऐसे विद्यार्थी परिषद के दौर पर दिए। युवा मोर्चा के नगर संगठन में सोनू बचवानी जी की सक्रियता ज्यादा नजर आती है, क्योंकि अभी नगर अध्यक्ष के पद को लेकर विभिन्न लोगों ने अपनी दावेदारी पेश करने में लगे हुए हैं, तो ऐसा कौन सा नाम जहन में आता है कि ये व्यक्ति नगर अध्यक्ष का पद का दावेदार या नगर अध्यक्ष ही हो सकता है युवा मोर्चा का, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मेरा ये कहना है कि जबलपुर शहर में बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो युवा मोर्चे में काम करते हैं और निश्चित तौर पर जबलपुर की टीम जब युवा मोर्चे के अंदर काम करती है तो काम से ही कार्यकर्ता ध्यान में आते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम उन्होंने कर दिखाया भी है और विनम्रता पूर्वक संगठन की लाइन पर चलने का काम करते हैं, लेकिन संगठन की अपनी एक समझदारी होती है। संगठन देखते हैं, देखिए मैं नाम यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भेजते हैं। हमारे यहाँ एक सिस्टम होता है कि पैनल भोपाल जाती है, पैनल से हम अध्यक्ष बनाते हैं, तीन नामों को तय कर जब संगठन यहाँ से भेजता है उसके बाद हम उस बात को तय करते हैं। अभी इस विषय में मेरी नगर संगठन से कोई बातचीत हुई नहीं है, जैसे ही संगठन मुझे आदेश करेगा मैं तत्काल संगठन के इच्छा अनुसार जो भी जबलपुर का महानगर का संगठन कहेगा मैं तत्काल उसको नगर अध्यक्ष के लिए घोषित करूंगा। आप नाम नहीं लेंगे, कुछ नाम हमारे पास हैं अखबारों में और लगभग इनकी सक्रियता को देख के हमने भी एक अपना दृष्टिकोण रखा है। सोनू बचवानी जी कहते हैं फिर उनका कार्यकाल पुनः रिपीट हो सकता है, विवेक शर्मा जी का नाम आता है, शरद जैन जी जो अपने शहर के स्वास्थ्य मंत्री जी हैं उनके सुपुत्र का नाम आता है, अंचल सोनकर जी के सुपुत्र का नाम आता है, कोई एक नाम
आपके दृष्टिकोण से, आपके हिसाब से? देखिए, बहुत सारे इन नामों के अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जो जबलपुर में काम कर रहे हैं। आप बताइए। अभी वर्तमान की हमारी टीम भी काम कर रही है। कुल मिलाकर मैंने आपसे एक बार फिर आग्रह किया कि मुझे अभी तक मेरी आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से इस विषय में बातचीत नहीं हुई है। मेरा प्रयास ये होगा कि जबलपुर महानगर का अध्यक्ष जो भी बने, वो जबलपुर महानगर का अध्यक्ष की उसकी जिम्मेदारी इसलिए भी ज्यादा होगी क्योंकि मैं खुद इस महानगर से प्रदेश अध्यक्ष के रूप से काम कर रहा हूँ। जब भी हम काम करेंगे, जब भी हम भोपाल में काम की बात करेंगे, तो जबलपुर सबसे आगे होना चाहिए, मेरी प्राथमिकता भी होगी जी, और ये मेरा प्रयास भी होगा। इसलिए जबलपुर संगठन जो इच्छा जताएगा, मैं निश्चित तौर पर उसकी घोषणा निसंकोच, बिना किसी लाग लपेट और बिना किसी लाभ हानि और स्वार्थ को देखते हुए, कुल मिलाकर संगठन जो तय करेगा, मैं निश्चित तौर पर उसका नगर का अध्यक्ष जबलपुर का घोषित करूंगा। नगर संगठन की बात करते हैं, पुनः प्रदेश महामंत्री के कार्यकाल के समय अभिलाष पांडे जी भोपाल और दिल्ली में ज्यादा होते थे, शहर में सोनू बचवानी की सक्रियता ज्यादा होती थी, अर्थात उस समय कहा जाता था कि युवा मोर्चा दो गुटों में चलता है, एक अभिलाष पांडे जी का गुट है, एक सोनू बचवानी का गुट है। कुछ पेपर्स में ऐसी एड भी आए, ऐसे विज्ञापन भी आए जहां युवा मोर्चा का विज्ञापन छापा गया, उसमें अभिलाष जी की फोटो नहीं थी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं विद्यार्थी परिषद से काम करते हुए आके काम करने वाला एक कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता के नाते मैं बहुत अच्छे से काम करने का प्रयास करता हूँ। मैं इन छोटी बातों को लेकर कि किसकी फोटो आगे है, किसकी फोटो पीछे है, किसकी फोटो ऊपर है, किसकी फोटो नीचे बात, है बात, इस बात को मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। मैं इस बात को लेकर कभी भी कोई कयास नहीं लगाता और ना मैं इन सब बातों पर ध्यान देता हूँ। संगठन में काम करने वाले एक कार्यकर्ता, मैंने यदि संगठन में कुछ सीखा है तो सीखने का आचरण भी मेरे काम पर दिखना चाहिए, तभी संगठन मुझसे अपेक्षा करता है। जहां तक बात रही भोपाल और बाहर रहने की, मैं प्रदेश का महामंत्री था, जिस दायित्व की निर्वहन आदमी को करना होता है, उसके निमित्त मेरे पास 56 संगठनात्मक जिले मध्य प्रदेश के अंदर थे। उन जिलों में लगभग सारे संभागों का मैं प्रभारी रहा हूँ, और मध्य प्रदेश के जितने भी बड़े अभियान हुए हैं, चाहे सदस्यता अभियान हो, चाहे अधिवेशन की बात हो, चाहे स्वच्छता की बात हो, इन सारे अभियानों में आदरणीय अमरदीप मौर्य जी ने मुझे प्रदेश का प्रभारी बनाया, तो उस दायित्व के निर्वहन के लिए मुझे प्रवास करना पड़ता था, और प्रवास से ही कार्यकर्ता और काम निर्माण होता है। इस कारण मेरी बाहर सक्रियता रही। और जहां तक जबलपुर की बात करूं, तो जबलपुर में बहुत बड़ी लंबी टीम हमारे साथ है, बहुत सारे नौजवान हमारे साथ काम करते हैं, और दो गुटों की जो मैं आपकी बात है, इस बात को मैं पटाक्षेप करते हुए आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल के नीचे काम करता है। यहाँ कोई पार्टी के कोई गुट नहीं होते हैं, और कोई आपने आज तक भी कभी किसी काम में मेरे द्वारा या मेरे किसी व्यक्ति या मेरी टीम के द्वारा या मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा या हमारे युवा मोर्चे के द्वारा कभी आपको ये देखने को नहीं मिला होगा कि हम अलग अलग भागों पर बंटकर धड़े पर काम कर रहे हैं। देखने को मिला अभिलाष जी, तभी ये बात आपके समक्ष आई है कि युवा मोर्चा का एक इतना बड़ा विज्ञापन जिसमें आप प्रदेश महामंत्री हैं, आप वहां पर नहीं है, और नगर अध्यक्ष द्वारा सभी प्रकार के कार्यकर्ताओं की, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं की फोटो विज्ञापन में दी जाती है। देखिए, आप जिस विज्ञापन की बात कर रहे हैं, वो विज्ञापन मेरे संज्ञान में नहीं है, और मैंने उस विज्ञापन को देखा भी नहीं। मुझे तो आज पहली बार ये बात पता चल रही है जी। हालांकि बहुत सारे ऐसे विज्ञापन मैंने, आपने भी देखे होंगे, जिसमें हम सब लोग मिलकर काम करते हैं जी, और इस विज्ञापन के बारे में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, ना मैंने कभी ऐसा कोई विज्ञापन आज तक देखा है। लेकिन यदि इस तरह की बात आप कह रहे हैं, तो मुझे इस बात की ध्यान नहीं है, और यदि कोई फोटो मेरी नहीं भी है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। कमल के फूल की फोटो है, वही मेरी फोटो है। भविष्य में पश्चिम का एक प्रमुख दावेदार, पश्चिम विधानसभा का अभिलाष पांडे जी को युवाओं में कहा जाता है, घर घर आपकी सक्रियता है पश्चिम विधानसभा में, परंतु उस क्षेत्र में 5 दावेदार जो ऑलरेडी अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। देखिए, अभिलाष पांडे भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही अच्छा कार्यकर्ता है, ये मेरा प्रयास रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जब अपने कार्यकर्ताओं के आकलन करे, तब अभिलाष पांडे को अपना एक बहुत और एक नंबर का कार्यकर्ता समझे, ये मेरा प्रयास रहेगा। मैं जब उपाध्यक्ष के नाते काम किया, तो मैंने बहुत अच्छा काम करने का प्रयास किया। जब मैं महामंत्री के नाते काम किया, तो मैंने ये प्रयास किया कि एक नंबर का महामंत्री बनकर काम करूं। मेरे को अध्यक्ष बनाया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस मध्य प्रदेश को पूरे देश के एक नंबर प्रदेश के रूप में युवा मोर्चे को चलाऊंगा, और उसके बाद पार्टी जो आदेश करेगी कि अभिलाष आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, जो संगठन मुझे आदेश करेगा, एक नंबर पर उस काम को करकर मैं आपको दिखाऊंगा। इसलिए पार्टी का जो आदेश होता है, वो मेरे लिए बिल्कुल अक्षर से उसका पालन करना मेरी प्रतिबद्धता होती है। कैसा महसूस करते हैं जब ये
ये वही कार्यकर्ता थे जो प्रदेश मंत्री जब आप थे तब उस समय आपकी विज्ञापन में फोटो नहीं लगाई थी, और आज ये वही कार्यकर्ता हैं जो आपके लिए इतनी ज्यादा मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं। ये दोहरी राजनीति आपको नजर नहीं आती? देखिए, हम जब संगठन में काम करते हैं, एक परिवार के रूप में हम काम करते हैं और बड़ा मन कर संगठन चलाया जाता है। इसी कारण से हम बड़ा मन कर काम करते थे और लगातार मैं इन सब छोटी बातों में कभी ध्यान नहीं देता। हो सकता है मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाने में मेरे इस गुण को भी पार्टी ने ध्यान में रखा होगा। मैं सिर्फ काम पर विश्वास रखता हूं, और जहां तक कार्यकर्ता की बात है, कार्यकर्ता छोटी मोटी बातें उनके मन में आ सकती हैं, लेकिन हमारे मत अनेक होते हैं लेकिन निर्णय एक होता है। हमारे मतों में भेद होता है, मनों में भेद कभी नहीं हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है और युवा मोर्चा उसमें अक्षर से पालन भी करता है। आप जब युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनकर जबलपुर आए, आपका आगमन हुआ, लाखों करोड़ों के बैनर होर्डिंग शहर में लगाई गई जिनकी गिनती नहीं थी। जगह जगह अभिलाष पांडे जी बैनरों में दिखाई दे रहे थे। शहर में स्वागत समारोह के मध्य आम जनता को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जबलपुर शहर में जब मैं प्रवेश किया तो निश्चित तौर पर एक आत्मीय स्वागत अभिनंदन हुआ, और कई लोगों ने देखकर ये कहा कि कई वर्षों के बाद इस तरह का उत्साह नौजवानों के अंदर देखने को मिला, और एक बड़ी संख्या में नौजवानों ने मेरा अभिनंदन किया, स्वागत किया। वो अभिलाष पांडे का नहीं, अपने भाई का, प्रदेश अध्यक्ष का नहीं, अपने भाई का उन्होंने स्वागत अभिनंदन किया, और जबलपुर ने पलक पावड़े बिछाकर जबलपुर संस्कारधानी में इतनी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आई तो लोगों ने उसका स्वागत किया। निश्चित तौर पर एक त्यौहार का उस समय था जिस कारण से लोगों की समस्या हुई होगी, तो मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन फिर भी हमने ये प्रयास किया कि ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाए, ट्रैफिक जाम ना हो, और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस काम पर भी लगे रहे, और मैं इस बात के लिए बड़ा साधुवाद देता हूं जबलपुर के युवा मोर्चे और जबलपुर की पूरी टीम, हमारे सब दोस्तों को, साथियों को, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कि जिन्होंने मुझे आत्मीय अभिनंदन देते हुए मेरी शक्ति को बढ़ाने का काम जबलपुर के अंदर किया। बात करते हैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी की, नोटबंदी का फैसला किस हद तक सही है आम जनता के लिए? देखिए, नोटबंदी का फैसला एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, और इस फैसले को करने के लिए बहुत क्षमता और बहुत ताकत की आवश्यकता पड़ती। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर से इस देश के सामने इस बात को स्थापित कर दिया है कि हम इस देश में भ्रष्टाचार पसंद नहीं करेंगे, हम इस देश में आतंकवाद के नाम पर जो जाली नोट बाहर से आ रहे हैं उसको पसंद नहीं करेंगे। कुल मिलाकर नोटबंदी इस देश का ऐतिहासिक कदम है, और बड़ी संख्या में जनता उनको अपना आशीर्वाद दे रही है, और मैं युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि आपने इस भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का जो सपना देखा है वो सपना भी साकार होता हुआ आपके इस निर्णय से दिखता है। परंतु अभिलाष जी, बहुत से लोग मारे भी गए हैं, उनके बारे में एक भी संवेदना किसी भी मंत्री द्वारा, किसी भी नेताओं द्वारा व्यक्त नहीं की गई है आपकी पार्टी? देखिए, मारे गए नहीं, मुझे लगता है कि ये बात ठीक नहीं होगी। कुछ लोग समस्या हुई है, कुछ लोगों के स्वाभाविक कुछ लोगों की मौतें भी हुई होंगी, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इस देश की जनता प्रधानमंत्री जी के साथ इस ऐतिहासिक कदम पर खड़ी है। यदि इस देश को बचाना है तो इस तरह के नोटों को बंद करना ही होगा, क्योंकि जब आतंकवाद का बम फटेगा तो चाहे आपका हो, मेरा हो या किसी और का, किसी के परिवार के व्यक्ति का नाम पूछकर नहीं पड़ता, कोई ना कोई उसमें झुलसता है, और हमारे और आपके घर के लोग ही उसमें फंस सकते हैं। इसलिए जनता जानती है कि आतंकवाद किसी का नहीं होता, आतंकवाद आतंकवाद ही होता है। इसलिए इस बात को रोकने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कदम बहुत ही सराहनीय है। मोदी जी द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा अच्छे दिनों के वादे भी किए गए थे, कुछ वादे ऐसे किए गए जिनको सिरे से नकार दिया गया। सभी के अकाउंट में 15 लाख की बात, आतंकवादियों को फांसी देने की बातें, ये सब कार्यकाल के दौरान दिखती नहीं है। देखिए, आप इस कार्यकाल को बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये वही कार्यकाल इससे पहले कार्यकाल था जब इस देश में कहा जाता था कि आतंकवादी कौन तो देश का प्रधानमंत्री मौन, भ्रष्टाचारी कौन देश का प्रधानमंत्री मौन, नक्सलवादी कौन देश का प्रधानमंत्री मौन। कुल मिलाकर जब ऐसी बातें कही जाती थी, और वही आज प्रधानमंत्री हैं, वही आज मुख्यमंत्री हैं कि जब मध्य प्रदेश की धरती पर सिमी अपना सर उठाता है और भारत की सीमा पर जब पाकिस्तान घुसकर मारने की कोशिश करता है तो उसकी छाती पर घुसकर गोली दागने का काम कोई करता है
तो इस देश के प्रधानमंत्री करते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी सिमी के गुर्गों को यहाँ पर कुचलने का काम करते हैं, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य सुरक्षा की बात हो, हर काम पर भारतीय जनता पार्टी भारत को प्रथम लेकर तटस्थ है और संघर्ष कर रही है और मुंहतोड़ जवाब भी हम आतंकवाद का देते हैं। राम मंदिर का निर्माण संविधान के दायरे में किया जाएगा, 2.5 से 3 साल हो रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए संवैधानिक व्यवस्था है, राम मंदिर का मामला न्यायालय पे चला गया है, न्यायालय के जो भी निर्णय होते हैं संविधान के आधार पर ही, हमारा प्रयास रहता है कि हम किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक भावनाओं को ना भड़काएं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी इस देश के नागरिक हैं, सौहार्द का वातावरण बने और आपसी सामंजस्य से इस प्रकार की बातें चलें। कुल मिलाकर जो न्यायिक व्यवस्था है उसके आधार पर ही हम राम मंदिर की बात करते हैं और जो भी आगामी समय में निर्णय होंगे वो जनता के सामने होंगे। युवा मोर्चा के ऐसे कौन से कार्यक्रम आगे आपकी नेतृत्व में देखने को मिलेंगे? देखिए मध्य प्रदेश युवा मोर्चे ने अभी हाल ही में कुछ कार्यक्रम हमने लिए हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के 11 साल बेमिसाल के कार्यक्रम लेकर हम मध्य प्रदेश की विकास गाथा को युवा नौजवानों के बीच में, चाहे कैंपस हो, कॉलेज हो, हॉस्टल्स हो, चाहे खेल के प्रांगण हो, जहां भी युवा मिलता है उस स्थान पर जाकर युवा मोर्चा इस प्रकार के कार्यक्रमों को संचालित कर रहा है। साथ ही हमने एक बड़ा अभियान अभी लिया है, यूथ फॉर डिजिटल और डिजिटल पैसा, कैशलेस जो व्यवस्था आदरणीय मोदी जी ने कही है उस काम को लेकर हम काम कर रहे हैं कि सोसाइटी एक कैशलेस बने। एक कार्यक्रम युवा मोर्चे ने अभी बड़ा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लिया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो नर्मदा सेवा यात्रा लेकर निकले हैं, उस नर्मदा सेवा यात्रा को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जहां जहां से भी यात्रा निकलने वाली है, एक हरी चुनरी यात्रा लेकर युवा मोर्चा निकल रहा है, जिसमें हम हर गांव से 11-11 पौधे, फलदार वृक्ष और पीपल के वृक्ष, बरगद के वृक्ष लेकर वहां जाने वाले हैं। उसका नाम हमने हरी चुनरी यात्रा रखा है, हम हरे तरीके से पेड़ लगाकर नर्मदा जी को चुनरी ओढ़ाने का काम युवा मोर्चा करेगा। एक अभियान आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि नर्मदा के तटवर्ती और निकटवर्ती क्षेत्रों में नशा मुक्त होना चाहिए, उस नशा मुक्ति अभियान में भी युवा मोर्चा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। बहुत से लोग आपके संघर्ष के दौरान थे जो आज के समय पर छूट चुके हैं, उन लोगों से सक्रियता बनाने के लिए क्या करेंगे और कैसे युवाओं के मध्य अपनी उपस्थिति लगातार जबलपुर में दर्ज कराते रहेंगे? देखिए मैं सभी नौजवान साथियों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जिन नौजवानों ने मेरे साथ काम किया है, आगे भी हम कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे जबलपुर के विकास के लिए, जबलपुर को आगे बढ़ाने के लिए, जबलपुर के नौजवानों को नई दिशा देने के लिए युवा मोर्चे की पूरी टीम के साथ मिलकर मैं काम करूंगा और मेरे पुराने जितने भी साथी हैं उन सारे साथियों को लेकर मैं अपना ये काम संचालित करने वाला हूं, उन सभी नौजवानों के साथ संचालित करने वाला हूं और हम सब लोग मिलकर जबलपुर को एक नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारी टीम हमारे साथ काम कर रही है और नए और पुराने सारे साथियों को मिलाते हुए, सामंजस्य बैठाते हुए मैं अपने इस काम को सुचारू रूप से करने वाला हूं और पूरी टीम मेरे साथ खड़ी हुई है विश्वास के साथ। और मैं आपके इस माध्यम से, आपके इस चैनल से एक संदेश और नौजवान साथियों को देना चाहता हूं कि सबसे पहले यदि कोई बात हो तो नेशन सबसे पहले रखा जाए, सबसे पहले नेशन, ऑर्गेनाइजेशन सेकंड और सेल्फ लास्ट को रखेंगे तो हम अपने जबलपुर का, मध्य प्रदेश का और इस देश का नाम आगे बढ़ा सकते हैं, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। चलिए अभिलाष जी, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं अपने कर्तव्यों का निर्वहन आप संगठन के लिए ईमानदारी पूर्वक करते रहें। तो आज हमारे शो के मेहमान थे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अभिलाष पांडे जी। अगली बार एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, नमस्कार।